हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रुचिन एंड आई वेलकम यू टू योर पीडीएफ। सो एज़ यू ऑल नो कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर हम आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं। सो आई हैव कम अक्रॉस वन सच ग्रेट फॉरेन अपॉर्चुनिटी फॉर पीएचडी, बेसिकली फॉर सिविल इंजीनियर्स, और वो भी अगर आपका एनवायरमेंटल साइंसेस है सो दैट इज़ एन एड ऑन एडवांटेज। तो देखते हैं किस में हमें मिला है। देखिए, दिस इज़ फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पीएचडी स्टूडेंट्स, दोज़ हू वांट टू परस्यू पीएचडी, दे हैव कम्प्लीटेड देयर मास्टर्स और वो पीएचडी करना चाहते हैं। सो देर आर वेकेंट पोजिशंस इन हेलमोल्ट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, हेलमोल्ट्स इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज़ अ स्कूल सिचुएटेड इन लेप्लिक्स एरिया इन जर्मनी, लाइप्ज़िग एरिया इन जर्मनी। सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट वॉट आर द पोजिशंस इन ऑल, बट बिफोर दैट बेसिकली हम लोग आपको बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड योर बी टेक, ओके, एंड यू वॉन्ट टू परस्यू एम एस इन एब्रॉड, सो देर आर अपॉर्चुनिटीज। इफ यू आर करंटली परस्यूइंग बी टेक एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर इंटर्नशिप इन एब्रॉड, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, वी हैव अपॉर्चुनिटीज, यू हैव अपॉर्चुनिटीज देर ऑल्सो। इफ़ यू हैव कम्प्लीटेड योर पी एच डी एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर पोस्ट डॉक, सो देर आर अपॉर्चुनिटीज, वेरियस अपॉर्चुनिटीज आर देर। एंड बाय द एंड इफ यू हैव कम्प्लीटेड योर पोस्ट डॉक ऑल्सो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब आउटसाइड इंडिया अब्रॉड, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज़ ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज आर, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। बट द फोकस ऑफ दिस वीडियो इज ऑन पी एच डी पोजिशंस फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव कम्प्लीटेड देयर मास्टर्स इन स्पेसिफिक डोमेन्स, विल टॉक अबाउट इट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स, ओके। सो एज यू कैन सी दिस इज द पी एच डी पोजिशन वी आर टॉकिंग अबाउट। देर आर टू पी एच डी पोजिशंस वेकेंट इन दिस हेलमोल्ट्स इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ इन जर्मनी इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। सो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट विल बी एलिजिबल फॉर दिस, ओके। सो वॉट एक्चुअली इज द फोकस ऑफ दिस पी एच डी प्रोजेक्ट, द फोकस इज टू डेवलप अ कैलोरीमीटर, ओके, एंड कैलोरेस्पायरोमीटर टेक्निक्स टू मेजर द इम्पैक्ट्स ऑफ, वॉट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ दिस environmental influences on soil. This will be the topic. So, अगर आप masters में हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग टू गो abroad, तो आपका टॉपिक आप इस तरीके से कुछ रख सकते हैं दैट आपको पी एच डी पोजिशन ईजिली मिल जाए, ओके। नाउ वॉट इज योर प्रोफाइल, वॉट इज द एलिजिबिलिटी दैट दे आर लुकिंग, दे आर लुकिंग फॉर, अगर आपका मास्टर्स डिग्री है इन सॉइल साइंसेज, ओके, या फिर आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बायोलॉजी है एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। So as you can see, the students who are facing difficulty in giving GATE examination from civil background, आपको सिविल से देने में प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है आपका रैंक नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूज कॉम्पिटिशन एंड ऑल, सो लेट मी टेल यू गाइज, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज से GATE को देते हैं, ओके, GATE एग्जाम को देते हैं, देन देर आर चांसेज दैट यू माइट लैंड अप समवेयर वेरी गुड। हो सकता है आपको मास्टर्स बाहर से करने को मिल जाए इन एनवायरमेंटल साइंसेज, हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग एनवायरमेंटल साइंसेज देर आर पॉसिबिलिटीज कि आपको पीएचडी बाहर से करने को मिल जाए, ओके। सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी व्हाट दे आर ऑफरिंग, इट इज़ वेरी गुड, द फैसिलिटीज आर गुड एंड ऑल द स्टफ इज़ गुड, द स्कॉलरशिप प्रोवाइडेड इज ऑल्सो गुड, दैट हैज़ बीन टॉक्ड अर्लियर इन अ प्रीवियस वीडियो। सो वेयर कैन वी पीपल हेल्प यू, ओके, एज योर पीडिया वी कैन हेल्प यू इन गाइडिंग यू थ्रू द प्रोजेक्ट्स। अगर आपने मास्टर्स किया है इसमें, यू कैन अप्रोच अस, वी कैन टेल यू हाउ टू गो एंड व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फुलफिल्ड फॉर एंट्रिंग इनटू दिस कॉलेज, ओके। वी कैन गाइड यू रिगार्डिंग योर एसओपी, रिगार्डिंग योर एसओआर, ऑलराइट, व्हाट इज़ योर प्रोजेक्ट टाइटल, रिगार्डिंग इंटरव्यूज एंड ऑल, व्हाट एवर कैन हैपन, वी कैन गाइड यू दैट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, विल कम अप विद द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी सी। टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।